हमने उम्मीदवार जो दिया है वो बड़ा सुन के उम्मीदवार दिया है, और प्रदेश में इस समय बेदाग और दागी लोगों के बीच की लड़ाई है। इस बार जो लड़ाई है वो भाजपा के जो 10 साल का शासन है, कुशासन है, उसके सामने बेरोजगारी, महंगाई के जो मुद्दे हैं वो हम लेकर जनता के सामने जा रहे हैं। सक्षमता की बात ये है कि 2014 में 9 में जब नट्टू भाई पटेल यहाँ उम्मीदवारी में लड़े तो लोगों को लगता था कि मोहन डेलकर एक बहुत सक्षम व्यक्ति है, बहुत छेत्रम का एमपी है, उसको कौन हरा सकता है, और नट्टू भाई पटेल ने मोहन डेलकर को हराया। तो यहाँ पे शक्तिशालीता का कोई प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन है जनता के मुद्दे लेके, जनता के बीच कौन जा रहा है, जनता के लिए कौन काम कर रहा है और किसकी बेदाग छवि है। आज देखिए बीजेपी ने जो काम किया, बीजेपी ने क्या किया कि 5 साल तक लोगों को बोलते रहे कि ये डेलकर परिवार है, ये हफ्ता वसूली करते हैं, ये आदिवासियों का शोषण किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। 5 साल शिवसेना सांसद और भाजपा लड़ती रही, भाजपा सांसद शिवसेना सांसद लगातार भाजपा के विरुद्ध लोकसभा में बोलती रही, और आज वो दोनों इकट्ठे हो गए। तो जनता को बेवकूफ ज्यादा समय तक नहीं बनाया जा सकता, जनता जानती है कि ये सब मिल एक जगह जो वापस इकट्ठे हुए हैं इससे प्रदेश का शासन चलने वाला नहीं है। जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे जनता के बीच हैं, सांसद ने यहाँ 5 साल में कोई काम नहीं किया, उसका लाभ हमको मिलने वाला है। प्रशासन द्वारा जिस तरीके से लोगों को नौकरी से निकाला गया है, सैलरी आधी कर दी गई है, ये सब जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। हमारे कांग्रेस आला कमान ने 5 न्याय की योजनाएं बनाई हैं, जिसमें नारी, युवा, किसान और श्रमिक, इनके मुद्दे हैं, जिनको 5-5 हमने मुद्दे उनके लिए जोड़े हैं, ये लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। और जनता इस बार बड़ी समझदार है, अंडर करंट है, आप देखते जाइए, ये चुनाव हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आकलन है 2014 में भी हम लोग यहाँ पे अच्छे मार्जिन से हम चुनाव लड़े थे, 2009 में भी हम अच्छे मार्जिन से चुनाव कांग्रेस को वोट मिला था, ये आपका गलत आकलन है। 2014 में भी हमको अच्छे वोट मिले थे, हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे, तो ये आपका आकलन गलत है। और हमारी जिला पंचायत हमारी रही है, नगरपालिका हमारी रही है, आप किस बेस पे बोल सकते हैं कि कांग्रेस का यहाँ जनाधार नहीं, ये कांग्रेस के जनाधार वाली सीट है। कुछ लोगों ने इसको पैसे के बल पे और बाहुबल के बल पे जो सीट का आदान प्रदान होता रहा है, इस बार प्रदेश की जनता वो होने नहीं देगी, आपका आकलन गलत है कांग्रेस के प्रति। हम लगातार आपकी वो भी जानकारी कम है, आप अभी आपको 5 मिनट के बाद हम पूरे वीडियो फोटोग्राफ देंगे, हम पिछले 1 साल से जनता के बीच में नारी या भारत जोड़ो यात्रा और जो हमारे गरीबों की जो स्कीम्स हैं वो लेके हम घर घर जा रहे हैं, और अभी तक हमने 20,000 घरों पे संपर्क किया, हमने हजारों घरों पे हमारे स्टिकर लगे हुए हैं, आप जंगल में जाके देखिए कांग्रेस पार्टी के। कोविड में हमने जितना काम किया किसी पार्टी ने नहीं किया, तो ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें कांग्रेस के लोग जनता के साथ नहीं खड़े हुए। तो हमारे मुद्दे हैं और जनता में भारी आक्रोश है, और भाजपा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, जो भाजपा के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था इसलिए उनको कैंडिडेट आयात करना पड़ा। हमारी लड़ाई पूर्व सांसद से है जिन्होंने 5 साल में यहाँ कोई काम ही नहीं, लोगों की कोई प्रश्न नहीं पूछे, केवल हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अब जो सुनता नहीं है उन्हीं में वो आप शामिल हो गए, तो जो सुनते ही नहीं है तो वो आगे भी क्या सुनेंगे उनकी, और साथ मिलके वो करेंगे भी क्या। तो हमारा जो लड़ाई है वो पूर्व सांसद से है जिन्होंने 5 साल इस प्रदेश की जनता को धोखा दिया, प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके लिए लड़े नहीं, कितने लोगों के घर टूटे, कितने लोगों की दुकानें टूटी, कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ, अफसरशाही जिस तरीके से यहाँ हावी है, छोटा छोटा अधिकारी जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को समाप्त करते आ रहा है, किसी राजनीतिक नेता की ऑफिस में कोई वैल्यू नहीं बची है, जनप्रतिनिधि की कोई वैल्यू नहीं बची है, तो जिस तरीके से तानाशाही का जो माहौल है उसको हम समाप्त करने का काम करेंगे। और हमारा एजेंडा इस प्रकार सा है कि हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर में जाकर लोगों को समझाएंगे कि हमारे जो 5 युवा न्याय दिए हैं इसमें हम लोगों को समझाएंगे
कि आने वाले दिन हमारे कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के साथ ही हमें जाना और गरीबों के लिए जो कांग्रेस पार्टी करेगी दूसरा कोई पार्टी इसके अलावा नहीं कर पाएगी। बेरोजगारी की है जो पक्की नौकरी और उसके बाद जंगल का प्रश्न है, उसके बाद जो हमारे टीचरों को निकाल दिया है, ये सब मुद्दे हमारे वाकई। मैं भी आदिवासी हूँ, कलाबेन में आदिवासी है, पर कलाबेन अब तक जितने उन्होंने 5 साल निकाले हैं, 5 साल में वो गांव तक आज तक गई नहीं है। हम गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएंगे कि हमारा मकसद क्या है, हमारा कांग्रेस में आने का मकसद क्या है, हम हमारी कांग्रेस पार्टी किस चीज़ के लिए है, वो सब हम उनके सामने जो मुद्दे रखे हैं वो रख देंगे। कलाबेन बीजेपी की टिकट लेके आए हैं। देखो हर बार आप मीडिया है, आपको सब पता है, इस बार पहले बार उन्होंने शिवसेना की ओर लड़ाई की, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, दूसरी बार कहीं जाएगी उसका कोई अता पता नहीं। इसलिए लोगों का जो भरोसा है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि वो कितनी बार पार्टी बदल जाएगी, बदले बदलती रहेगी। ये सब उनकी लोगों की ये है धारणा एक है कि जो कलाबेन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम उसके साथ नहीं जाएंगे, जो बीजेपी वाले हैं वो बोलते हैं हम भी भाग जाएंगे, तो वो उसको समर्थन कौन देगा। बाकी लोग हमें बोल रहे हैं कि चलो अब इस पार की उस पार हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएंगे।